नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आने वाली 13 तारीख को हिसार के अंदर एक बहुत बड़ा चुनावी रण होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो सीनियर लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ चौधरी उदयभान भी हिसार के अंदर शिरकत करने वाले हैं और यही तय करेगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में अगर बात करें कांग्रेस की किस तरीके से रणनीति रहेगी। क्योंकि एक राज्य स्तरीय जो कार्यकर्ता सम्मेलन है हिसार के अनाज मंडी के अंदर जो है रखा गया, लेकिन जब यहाँ पर मौजूद नेताओं से सवाल किया गया कि इनकी आपसी फूट जो है पहले की तरह बरकरार रहेगी या अभी हाल ही में जो राहुल गांधी ने एक मीटिंग के दौरान सभी को एक नसीहत दी थी कि अगर आपका पर्सनली कोई वाद विवाद है उसे साइड में रखकर आप कांग्रेस के सिपाही बनकर अपना काम करेंगे, तो जब हमने ये सवाल किया कि क्या कुमारी शैलजा भी उस मंच पर शिरकत करने वाली है, तो सुनिए बजरंगदास गर्ग ने किस तरीके से नाराजगी भरे स्वर में जवाब दिया। क्या इस 13 तारीख वाले कार्यक्रम में कुमारी शैलजा भी मंच? देखिए सुनो, ये इसके अंदर कोई मतभेद नहीं है, ये पार्टी लेवल का सम्मेलन है। जिला कन्वीनर मैं हूँ, जिला प्रभारी जयप्रकाश है, प्रदेशाध्यक्ष उदयवान जी है, CLP नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, सभी का निमंत्रण है, जो भी आएगा सबका स्वागत है। तो सुना आपने किस तरीके से कुमारी शैलजा के सवाल पर बजरंगदास गर्ग नाराज होते हुए नजर आए और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की कमियां गिनवाने लग गए। जब उनसे फिर से सवाल किया गया कि आप भारतीय जनता पार्टी की कमियां तो गिनवाइए, लेकिन आपसी फूट के सवाल पर क्या आप इस बात का जवाब देने में सक्षम है कि आने वाली 13 तारीख को जो हिसार की अनाज मंडी में कार्यक्रम होने वाला है उस मंच पर कुमारी शैलजा भी नजर आएंगी, तो उसके बाद उन्होंने डिटेल में जो है आज की पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। तो सुनवाते हैं आपको आज की पत्रकार वार्ता की कुछ झलकियां कि किस तरीके से 13 तारीख का कार्यक्रम रहने वाला। नगर निगम पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर 2 साल से अपनी प्रॉपर्टी ठीक कराने के लिए जनता धक्के खा रही है और यहाँ तक कि जो जयपुर की कंपनी थी जिसको टेंडर दिया नगर निगम के हाउस ने, एक प्रस्ताव पास किया भी प्रॉपर्टी की आईडी की सर्वे सरासर सब गलत हो चुकी है, इसकी पेमेंट ना की जाए, इसकी पेमेंट स्टॉप की जाए, ये प्रस्ताव पास करके इशारी नहीं, यहाँ तक कि सोनीपत भी सरकार के पास भेजा। उसके बावजूद भी सरकार ने नगर निगम को इसको कंपनी को पैसा भुगतान कर दिया, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। और यहाँ तक कि प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए ई जनता को पैसे देने पड़ रहे हैं धक्के खाने के साथ साथ, एक और बड़ा घोटाला सामने आया जो लोगों ने बताया, प्रॉपर्टी सील के नाम पर एक भय बिठाकर बड़ा मोटा पैसा नगर निगम के अधिकारियों द्वारा ठगा जा रहा है, घोटाला किया जा रहा है। तीसरा तहसील, वो भी एक भ्रष्टाचार का अड्डा है, तहसील के अंदर रजिस्ट्री करवानी हो, इंतकाल करवाना हो, बगैर सेवा सलूक बगैर पैसे दिए काम नहीं होता, ये स्थिति तो इन महकमे की है। और दूसरी बात, हरियाणा में ऐसा कोई सरकारी विभाग नहीं जहां बिना पैसे दिए काम होता हो, यहां तक कि ये पोर्टल की सरकार है, पोर्टल के नाम पर किसान भी दुखी, आड़ती भी दुखी, नंबरदार भी दुखी, यानी प्लेदार भी दुखी, और यहाँ तक कि प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, ये तीनों ऐसे चीज है ये जनता को परेशान करने के सिवाय कुछ भी नहीं है, ये जनता को परेशान करने वाली ये तीनों चीज़ें हैं। कांग्रेस की सरकार आने पर हरियाणा के अंदर पहली कलम से प्रॉपर्टी आईडी को ख़त्म किया जाएगा, पोर्टल ख़त्म किया जाएगा, परिवार पहचान पत्र ख़त्म किया जाएगा, उसके साथ कई योजना और लेकर आए। शॉर्टकट में बताता हूँ,
जो सरकार कहती थी रसोई गैस सिलेंडर 400 रुपये हम 250 देंगे, आज 1000 पार कर दिया, हम 500 रुपये अधिकतम रसोई गैस सिलेंडर की कीमत रखेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री, 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, यानी कि एक ताऊ एक ताई दोनों को 6000 अलग अलग 12000 एक घर को मिलेंगे, ये हमारी योजना है। मैं यही बताना चाहता हूँ सरकार को, तुरंत प्रभाव से जो जयपुर की कंपनी जिसको प्रॉपर्टी आईडी का ठेका दिया था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उससे पैसे की रिकवरी करनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो जनता ने 2 साल से धक्के खा रहे हैं और जिनसे पैसे इकट्ठे गए हैं वो पैसे भी जो भी अधिकारी ने गोलमाल किया है उससे रिकवरी करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग सरकार के साथ है। ये सरकार पूरी तरह से फैल सिद्ध हुई है, हर मुद्दे पे फैल सिद्ध हुई है। मुख्यमंत्री जी लंबी लंबी बातें करते हैं, झूठ और जुमला, अगर किसी ने सीखना हो तो भारतीय जनता पार्टी पूछ लो, 10 साल हो गए भाई, 10.5 साल में तो कोई एक फली फोड़ी नहीं। इब ये कहवे हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, अरे हमारी जो राज के अंदर जो हमने योजना लागू की 382 गरीब परिवारों को 100 गज के प्लाट, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, 20 रुपये किलो दाल देने की योजना थी, 10 लाख से ज़्यादा गरीब परिवारों को हमने फ्री पाइप की लाइन, टूटी टंकी लगाई, सारी योजना इस सरकार ने बंद कर दी। आज सरकार कहती है जाते जाते भी हम ये कर देंगे। अगर मैं पूछना चाहता हूँ जब प्लाट देने की योजना बढ़िया थी आपने क्यों बंद करी? ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं 7755 लोगों को हमने कागज दे दिए, अरे मारे पल टाइम के प्लाट काटड़े, हमने पंचायतों से बात करके जमीन ली, निशानदेही कराई, भाई आपका बिल्ली का छक्का टूट गया, आपकी सरकार आ गई तो आपने ये हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है ये सब चुनाव के समय जुमला जुमला करने की मतलबबाजी करने वाली सरकार है। जिस प्रकार 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वायदा किया था, घोषणा की थी, जिस प्रकार उन्होंने ये कहा था भी 35 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल दूंगा, भाई ये जुमले के सिवाय कुछ नहीं। और असलियत में सुन लो आप, आपके आशीर्वाद से और जनता का पूरा आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनेगी, और हर कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता घर घर जनता के बीच जा रहा है, संपर्क कर रहा है। दूसरी बात ले लो, अब हमने जिला स्तर के ऊपर कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे हरियाणा में शुरू कर रखे हैं, 90 के 90 विधानसभा के अंदर जनसभा करेंगे, और कहता हूँ कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर इतनी भारी भरकम भीड़ आपके सामने उमड़ रही है आप सोच नहीं सकते। हमने 13 तारीख को अनाज मंडी के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे जिसके अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्य अतिथि होंगे, हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष उदयवान जी प्रदेशाध्यक्ष होंगे, और भाई जयप्रकाश जी जहाँ के हमारे सांसद हैं वो हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे। ये ऐतिहासिक ये कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, उसके बाद 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम जनसभा करने जा रहे हैं। आज स्थिति ऐसी है इस राज्य के अंदर, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना आम जनता सुरक्षित है, ना मेरी बहन बेटी सुरक्षित है, और यहाँ तक कि भाई पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी सुरक्षित नहीं। जो सरकार अपनी पुलिस कर्मचारी की सुरक्षा ना कर सके उससे कोई सुरक्षा की उम्मीद की जा सकती है क्या? 16 दिन हो गए इस आर्मी कांड हुए, और इसके बाद कल भी कत्ल हो गया है, 6 दिन के 6-7 कत्ल हो लिए, करनाल ले लो, आप फतेहाबाद ले लो, गुड़गांव ले लो, फरीदाबाद ले लो, मतलब हर जगह बोल मतलब अपराध
खुलेआम चल रहा है और अपराधियों का पूरे हौसले बुलंद है। ये सरकार पूरी तरह अपराध को रोकने में फैल सिद्ध हुई है। 13 तारीख वाले कार्यक्रम में कितने कहां-कहां के कार्यकर्ता, ये जिला कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिला के लोग आएंगे, उसके अंदर जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष हुड्डा जी संदेश देंगे भी जुट जाओ, लांगड़ फेर दो, अगर बटन दबे तो पंजे पे दबे, कांग्रेस के हाथ पर दबे, ये जो झूठ और लूट की राजनीति खत्म करनी है तो कांग्रेस का साथ जनता से अपील करेंगे, जनता का साथ दे। और एक बात और कहता हूँ, 2005 से लेकर 2014 तक रिकॉर्ड की बात है, जो हमने घोषणा की 100% घोषणा हमने पूरी की। हमने बिजली के बिल पहली क्रम में 2005 के 1600 करोड़ रुपए बिजली के बिल हुड्डा साहब ने माफ़ किए, ब्याज माफ़ किया, 2200 करोड़ रुपए के जो कर्जे थे किसानों के वो माफ़ किए, 72,000 करोड़ के कर्जे केंद्र सरकार से माफ़ किए, और यहाँ तक कि 700 करोड़ रुपए का जो हैंडलूम हब है हमारा पानीपत में, 700 करोड़ रुपए उनकी तरफ बकाया थे पिछली सरकार के, वो 700 करोड़ माफ़ करे, ब्याज माफ़ किया, भट्टी टैक्स माफ़ किया, दालों पे टैक्स ख़त्म किया, खल पे टैक्स, मैं कितने कितने नाम गिनाऊं। मैं एक दावा और करता हूं, एक 10 साल के अंदर एक व्यक्ति नूं कह दे 1 रुपये का नया टैक्स लगाओ, मैं जुम्मेवार, दुनिया भर की टैक्सों में रियायतें दी, या ये सरकार बता दे इन्होंने पूरे 9.5 साल तप गए 1 रुपये की छूट दियो, नए नए टैक्स लगा दिए, टैक्सों में बढ़ोतरी कर दी, गरीब आदमी जो सब्जी दाल खाता है सब्जी पर भी दाल पर भी इन्होंने सब्जी मार्केट फीस लगाकर गरीबों का मुंह का निवाला छीनने का काम किया। प्रधान जी भी कुछ दिन पहले जो है राहुल गांधी के साथ एक मीटिंग थी जिसमें कई नेता भी गए थे, आप भी शायद गए होंगे, उसमें साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए थे कि अगर किसी का आपसी मतभेद है पर्सनल तो पर्सनली तौर पे जो है उसको निपटाएं, पब्लिक मीडिया के सामने ना लेके जाए, कोई मतलब है क्या इस 13 तारीख वाले कार्यक्रम में कुमारी शैलजा भी? देखिए सुनो, ये इसके अंदर कोई मतभेद नहीं है, ये पार्टी लेवल का सम्मेलन है, जिला कन्वीनर मैं हूँ, जिला प्रभारी जयप्रकाश है, प्रदेशाध्यक्ष उदयवान जी है, सीएलपी नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, सभी का निमंत्रण है, जो भी आएगा सबका स्वागत है। और एक बात और कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है, आज के टाइम भारतीय जनता पार्टी का चुगड़ा साफ होना आपके आशीर्वाद से तय है, जनता मन बना चुकी है, इस सरकार से दुखी है और मुक्ति चाहती है, मुक्ति कौन देगा? कांग्रेस पार्टी। हम 0 से 5 पे आए ये कहते थे, अब की बार 400 पार 240 में टक गए। जनता ने तो मन बना दिया, लेकिन आपके आपसी वोट आए थे। अरे कुछ नहीं है, एक बात पूरे हरियाणा की हो रही है, मेरी बात तो सुन, मेरा अजीत सुन ले, राजविंदर जी का आज का बयान से पढ़ ले, क्या कहता है मुख्यमंत्री, हम बढ़ेंगे, हम कमाल करोगे आप, एक की बात करोगे और की नहीं करोगे, सुनीता दुग्गल की बात नहीं करोगे, आज चौधरी रंजीत सिंह का बयान होया, क्या बोला उसने स्वास्थ्य बनाने के वास्ते, बोला मैं छोटे मोटे आदमी का जवाब नहीं दिया करता, मैंने लिख के कंप्लेंट कर दी, क्या बोला चौधरी रंजीत, आप थे नहीं थे, सुनीता दुग्गल क्या बोल रही, मेरी टिकट भी काट ली और मैं 3 लाख से ज्यादा से जिसको मैंने हराया उसको टिकट दे दी और मेरी नौकरी भी चली गई, आप किस किस की बात करोगे, आप कुलदीप बिश्नोई ने हाथ लगा के देख ले कितना तकलीफ है वो बताएगा, रापिंदर जी से पूछ ले, मैं 20 नाम गिरा दूं, वो अरविंद शर्मा खुले तौर पर कह भाई मेरे खिलाफ जवाब तो दूंगा, कौन दूं उसका जवाब कौन दूंगे है?
चक्कू भी रखूंगा छुरी सारा की मैं जवाब देवांगे। अरे फूट और लूट देख रही हो भारतीय जनता पार्टी में, देखो ये जो वो है सबसे जो फूट और लूट और झूठ की राजनीति कोई करता है भारतीय जनता पार्टी करती है, और कांग्रेस पार्टी भाई को भाई से जोड़ने का काम करती है, ये तोड़ने का काम। कभी ये दिखाओ ने किस प्रकार हरियाणा में जाट नॉन जाट की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति देश में करती है। हिंदुस्तान वो देश है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई एक छत के नीचे रहते। अरे इतने साल हो गए ये पूछते हमसे क्या किया कांग्रेस ने, अरे भाई जिस क्यों मार से कुआ हो जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश में जहाज उड़ाने का काम किया, जिस टूट जो जिस देश में नमक नहीं बनता था वो ये सिर्फ की 100 बातें ऐसी है, ये जिस बस के अंदर बैठ रहे रेल स्टेशन में एयरपोर्ट में ये सारे कांग्रेस की देन है, BCL है सारी जितनी संस्थाएं हैं उनकी है, जिस स्कूल कॉलेज के अंदर मोदी पढ़ के आया, जिस स्कूल कॉलेज के अंदर मुख्यमंत्री पढ़ के आया वह स्कूल कॉलेज कांग्रेस की देन है, इनकी देन नहीं। इन्होंने 5,000 से ज़्यादा स्कूल बंद करने गए बंद करने का काम किया, स्कूल में मास्टर नहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, ये तो इनकी पॉलिसी है। कमाल करते हो आप ऐसे आदमी की बात करते हो हैं, ऐसे आदमी की हैं आज देश को लूट के खा गए उनकी बात करते हो, उन्हें क्या किया बता दो, हरियाणा में एक काम किया दो एक फली फोड़ी हो दो जुटे जुमले के सुबह आप जाकर नगर निगम में देखो खुले आम पैसे चल रहे, तहसील में जाकर देखो आप कार्य कारण में एक आदमी 3 महकमे जिम्मे लग रहा है हिसार के अंदर, आपको बोलता है एक आदमी 3 महकमे बताओ कौन कौन रखे उसको, सारा खेल है जो नगर निगम में जो ठेका दिया एक मंत्री का रिश्तेदार था, मेरे से बात क्यों खुलवाओ, आप लोगों ने कभी मुद्दा नहीं बनाया, मुद्दा बनाओ सड़क पाऊंगा प्रॉपर्टी आईडी को आप मुद्दा बनाइए, ऐसा करूंगा नगर निगम के अधिकारी को कुर्सी से वो हिलने नहीं दूंगा बाहर नहीं निकलने दूंगा, मैं जनता के साथ हूँ और जनता का मैं एक सेवक हूँ, तकलीफ है जब लोग आके कहते हैं ना भाई ये स्थिति हो रही है, आप उनको पूछो ये क्या हो रहा है क्यों गलत आपने ये सर्वे करी क्यों करोड़ों रुपए का, मुख्यमंत्री पूछो कौन जवाब देगा, मुख्यमंत्री दे 18 करोड़ 11 लाख का टेंडर दिया 57 लाख से ज्यादा 57 करोड़ से ज्यादा पेमेंटें होगी, उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया उस फुफा के बिगड़ेगा माल चाट का जानदार है 2 महीने बाद फिर ठीक हो जाएगा, FIR तो क्यों नहीं करी रिकवरी क्यों नहीं करी, जब सरकार ने मान लिया हाँ गलती हुई है सरकार का बयान आ चुका 95% सर्वे गलत है दोबारे हम ठीक कर रहे हैं सारे जिले में ऑर्डर दे दिए, फिर भी यार तुम रिकवरी नहीं कर, एक व्यापारी का या आम जनता का 100 रुपये का बिजली का बिल बाकी हो प्लास लेके चल जाएंगे काट तुम गाता क्यों 100 रुपये बिल बाकी है कि दुकानदार टैक्स बाकी है नोटिस काटेंगे ब्याज और पेनल्टी और लेंगे नहीं FIR करेंगे, ये तारे फूफे ला गए ठेकेदार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, कार्रवाई करनी चाहिए जनता का पैसा है जनता जो टैक्स देती है वो पैसा है, ईमानदारी से लोग अपना पेट काट काट कर जो आप 28% टैक्स लेते हो GST लेते हो इनकम टैक्स लेते हो वेट कर लेते हो मार्केट फीस लेते हो लाइसेंस फीस लेते हो 80% टैक्स जनता भरती है 100 रुपये के ऊपर 80% टैक्स मायने रखता है डाका है डाका जनता की जेबों में, आप बोलोगे मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरा देश की जनता आपके साथ खड़ी पाएगी, जहाँ भी चले जाओगे आपकी आवाज़ बुलंद होगी। अभी मैं यही कहना चाहता हूँ भाई साथ दो, जो गलत आदमी है उसको कंडम करो, सच्चे आदमी का साथ दो, जनता का साथ दो, व्यापारियों को साथ दो, आपने बहुत साथ दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बात सुन ले मेरे भाई आज की तारीख नोट कर ले, हिसार जिले में 7 के 7 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और जहां पार्टी ज्वाइन की 63 पूर्व विधायक पूर्व मंत्री पूर्व MP कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके, हजारों आदमी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं,
मैं किस किस का नाम लूँ, आंकड़े दे सकता हूँ, नाम दे सकता हूँ, नाम की बरसप कर सकता हूँ भी। इतने आदमी तो जो मैं सीनियर जो दे रहा हूँ वो पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व एमपी का नाम ले रहा हूँ, और पाइपलाइन के अंदर हजारों लोग भी इंतजार में है भी हमें ज्वाइनिंग करवाया जाए। तो ये देखिए, ये कुनबा बढ़ना एक शुभ संदेश है। और जी बिल्कुल ठोक नहीं सक, ये बड़ा अच्छा सवाल किया भाई बहने वाले। सरकार आते ही सबसे पहले उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे, पैसे की रिकवरी करेंगे, और प्रॉपर्टी आईडी मैंने कह दिया, उड़ा साहब ने इससे बात हो चुकी, प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल परिवार पहचान पत्र ये प्रशान पत्र है ये खत्म करेंगे, ये हमारी घोषणा है और घोषणा पत्र के अंदर भी डालेंगे, इसमें कोई दो राय। सर अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आपका हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री तो हाईकमान करती है फाइनल, विधायक जो जीत के आएंगे वो विधायक दल का नेता चुनता है, नेता चुन के हाईकमान उसका फैसला कर देती है, नेता चुन लिया ये बात मना नहीं किया, मैंने ये कहा है विधायक चुनते हैं, विधायक विधायक दल का नेता चुनेंगे, उसके बाद हाई कमान अपनी मोहर लगाएगा, जो सिस्टम पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का वही है वही रहेगा। जिस प्रकार से बीजेपी ने सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया, क्या कांग्रेस पार्टी का कोई अन्य लीडर भी ये सोच सकता है कि मुझे मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाएगा? बिल्कुल सोच सकते हैं, इत्याजा कांग्रेस में देखो विधायक बन गया यही बन सके कमाल कर यार, खुली खुली बात है ये तो, ये तो जो देखो नवा सुनो 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 एक सही बता दे तेरी सवाल, नवाब सैनी जो मुख्यमंत्री बनाया है इसने कि मैं पता है कि इसकी वाइफ जिला परिषद में चौथे नंबर जमान जब्त हुई थी, कुरुक्षेत्र में तसल्ली कर ले। अरे ये तो भाई आप समझो, इन्होंने अपनी हार को देखते हुए देखा हरियाणा में चुगड़ा साफ है भी, मनोहर लाल को बचाने के लिए उसको तो केंद्र में ले गए, हार का ठिकरा इसके ऊपर फोड़ दिया, दो का आंकड़ा होता है ना दस, दस भी सीट भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में ले नहीं पाएगी दावे के साथ कहता। हमारे शैलजा के मुख्यमंत्री बनने के कितने चांस? मैं किसी का चांस नहीं कह, मैं मेरे हाथ में हो तो मैं नहीं बन जाऊँ तो, जी तो सबका ही करे भाई, मैं बात एक करूँ भाई, विधायक बने चुनेंगे जनता ने विधायक चुना, कितने परसेंट चांस? मैं कह रहा हूँ भाई कल मैं कहूँ जो विधायक चुन के आओगे वो कोई नाराज हो जाएगा लठ मारेगा, वह मैं भी बनूंगा, मैं किसी रोकूंगा, जो विधायक चुन के आएंगे वो नेता चुनेंगे, हाई कमान उसका फैसला। तो आपका चुनाव लड़ने का मन है? भाई मेरा तो कोई मन को नहीं, मैं तो जनता के साथ हूँ, कांग्रेस पार्टी जिसे भी टिकट देगी मैं 90 के 96 में मदद करूँगा, पहले भी करी है, ये नहीं है कि हमने भी मदद नहीं करी, आप 19 का रिकॉर्ड देख लो, पूरे 90 के 96 घूमे, इब भी घूमेंगे, जो पार्टी आदेश देगी हम उस जिसको भी टिकट दें हम उसके साथ हैं। तो सुना आपने कि किस तरीके से आने वाली 13 तारीख को एक बहुत ही बड़ा राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यकर्ताओं का संबोधित करने के लिए हिसार के अनाज मंडी के अंदर नेता प्रतिपक्ष की अगर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिरकत करने वाले हैं, और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आने वाले विधानसभा चुनावों में इनका इस तरीके से कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेना किस तरीके से लेकर आगे इनके भविष्य को निर्धारित करता है तो देखने वाली बात है। आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस की किस तरीके से भूमिका रहने वाली है, क्योंकि अगर बात की जाए पिछले लोकसभा चुनावों में तो उम्मीद नहीं थी कि हरियाणा के अंदर इतनी अच्छी जो है रेटिंग या इतना अच्छा परफॉर्मेंस जो है कांग्रेस का रहने वाला है, जो नतीजे थे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच से भी परे थे और कांग्रेस की सोच से भी परे थे। तो इसका रिजल्ट कितना एक असर जो है आने वाले विधानसभा चुनावों में देखने को मिलता है, आपकी जो भी राय वो कमेंट करके जरूर बताएं, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, धन्यवाद।